বন্দে গুৰুপদতন প্ৰভু বন্দে নিদোদন্দনন্দনং বন্দে ৰাধিকা চৰণোদয় গোপীজনৰ সুকন মনোহৰ वाञ्छाकल्पतरुवश्य कीपासिन्धुव्यवच पावने पावुनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालङ् पङ्गुं लङ् हैतगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य

भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्यहं पनुतपाल् भवद्दिभूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिषटाय বিসুজিত কিমপি গপবধুষর্শি পূর্ণাগর সারমূর্তি সারাধিকা মি কৃপা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ নিত্তনন্দ শ্রিয়দ্গদাধর শিবসদীহি গৌরভক্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ

अजानुलम्बितभुजौ कनकाबुधातु शङ्कीर्तनैकपितरुकमलायताक्षौ विशाम्बरुद्विजवरु युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभुतारु हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकज सुरासुर दिव्यूप भुक्तिं मुक्ति ददशिनी तमाम भावानुरूपेन् सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापं गौरीनिरन्तरविभूषिः त्वमभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरान्सिपुरपति भजवीशनाथम् दने लक्ष्मीर्जस् वक्षसि ज्यास्ते हृदय संबितमह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, हरे 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 राम हरे राम রাম ররে হরে জনস কৃষ্ণা বিমুখ দৈবা অধর্মশীলসুখিত অনুগৃহ চরি নূন্য ভূতা ভাব্যা জনাশ জনশ কৃষ্ণা বিমুখ দৈবা অধর্মশীলসুখিত অনুগ্রহ হো চরি নূন্য ভূত ভাব্যান জনা গৌরী গোষ্ঠীপতি শ্রী শিলভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতি গোস্বামী ট জগদ্গুরুজি বত বদ জীব किसी भी प्रकार से भगवान का साथ नाता नहीं जोड़ सकता गौड़ी गोष्ठी भोती श्री भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत जगत गुरु जी ने बताए ये सामान्य क्षुद्र जीव ये सामान्य ये क्षुद्र जीव भगवान अनंत का साथ संजोग स्थापन कर नहीं पाते बॉन्डेड सोल किसी भी हालत से हरि अनंत हरि रूप अनंत भगवान का साथ संयोग स्थापन नहीं कर सकते इसीलिए भगवान का ये विधान है अपना निजी जन को अपना भक्त लोगों को इस जगत में भगवान भेज देते हैं भगवान अपना निजी जन को इस जगत में गुरु वैष्णव के रूप में भेज देते हैं और ये गुरु वैष्णव गिरे हुए इंसान को तमाम इस जगत में गिरे हुए इंसान को विषय में फंसे हुए इंसान को बचाने के लिए कोशिश करता है गौड़ीय गोष्ठी बोति शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपा जी कहते हैं जब भगवान अनंत देव गुरु वैष्णव का रूप धारण करके इस जगत में प्रकटित होते हैं गुरु वैष्णव का रूप धारण करके जी महाराज तमाम गुरु सदगुरु वैष्णव का रूप धारण करके इस जगत में प्रकटित होते हैं और विषय में उलझे हुए जीवों को बचाने के लिए जनो कृष्णाद विमुख स्व दैवाद अधर्मशील स्व अधर्मशील धर्म मूलम ही विष्णु भगवान को छोड़कर जो धर्म कर्म का बहाना बनाते हैं बद्ध जीव ये तो धर्म नहीं है इसीलिए भागवत जी महापुराण के श्लोक में बताया जनोश कृष्णाद विमुख से दैवाद अधर्मशील सुदुखित अनुग्रहाय चरंति नूनम नूनम मिन निश्चितमेव नोइट फॉर श्योर भगवान निश्चित रूप से जान लो भगवान इस जगत में गुरुवैष्णव का रूप धारण करके पधारते हैं हम बद्ध जीवों को बचाने के लिए अनंत देव बलदाजी महाराज जगत में जितना सारे तमाम वस्तु तमाम वस्तु इस जगत में दिखाई पड़ता है जो कुछ दिखाई पड़ता है आउट ऑफ साइट और सामने आमने सामने जो कुछ चीज़ दिखाई पड़ता है जो कुछ भी चीज़ दिखाई पड़ता है दुनिया में आपका जो कुछ भी चीज़ दिखाई पड़ता है सब वस्तु में अगर गुरु दर्शन ना हो तो पतन हंड्रेड परसेंट अगर हर वस्तु हर व्यक्ति हर चीज़ों में हमारा गुरु का दर्शन नहीं हो रहा है तो मतलब ये लोगु दर्शन हो रहा है जगत में दो दर्शन है एक लघु दर्शन एक गुरु दर्शन अगर गुरुदर्शन ना हो तो जरूर लघु दर्शन हो रहा है लघु दर्शन मतलब विषय दर्शन विषय दर्शन होने से पतन इनएविटेबल अवश्यम पतन होना ही है तमाम दुनिया में जो चीज दिखाई पड़ता है तमाम हमारा गुरु का अगर दर्शन हर चीज में ना हो तो मेरा पतन अवश्यम हर चीज़ों में गुरु दर्शन होनी चाहिए मतलब गुरु सेवा का उपकरण है ये तमाम चीज मेरा भोगने का चीज़ नहीं है ये तमाम चीज भगवान का सेवा का उपकरण है तमाम दुनिया ये विषय का सुख में उलझे हुए हैं किसी भी हालत से छोड़ना नहीं चाहता हर वक्त विषय का चिंतन विषय का भोग इसी में उलझे हुए हैं और जो चीज का चिंतन होता है अंतिम में उसका ही शरण होगा जंग जंग ब शरणम भावम त्यजुति अंत्य कलेवरम ये तो भगवान बता दिए विषयों का चिंता करते रहेगा दिन भर पूरा जिंदगी और अंतिम में भगवान को याद कर लेगा नॉट ए मैटर ऑफ जोक तमाम जिंदगी विषय में गुजार दिया और अंतिम में भगवत प्राप्ति भगवत का शरण जो शास्त्रों का विचार है जितना भी भजन कर लो ये असली भजन कि नकली भजन सब पकड़ा जाएगा अंतिम समय में अंतिम समय में सारे पकड़ा जाएगा क्यों अंतिमे नारायण शर्म अंतिम अंतिम नारायण श्रृति ही अगर अंतिम समय में भगवत स्थिति गुरु वैष्णव भगवान की स्थिति नहीं बने तो यूं समझ लो कि भजन बेकार गया हुआ नहीं जरा साल बात यह है तमाम दुनिया प्रतिष्ठा का पीछे भाग रहा है प्रतिष्ठा छोड़ के कोई कुछ सुनना नहीं चाहता अगर कोई चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं महाराज हम प्रतिष्ठा का पीछे नहीं जा रहा है हमको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए अगर कोई बोले वो झूठा बोल रहा है ये झूठा बोल रहा है प्रतिष्ठा का पीछे हर कोई है चाहे फ्रीडम फाइटर से लेकर कोई मिनिस्टर से लेकर तमाम दुनिया चाहे डॉक्टर हो प्रोफेसर हो कोई भी हो दुनिया में कोई भी हो प्रतिष्ठा नहीं प्रतिष्ठा नहीं चाहिए ये गलत भावना है लेकिन प्रतिष्ठा में फर्क है एक किस्म का प्रतिष्ठा है मेटेरियल प्रतिष्ठा विच इज वेरी डेंजरस एनादर प्रतिष्ठा जो है वो वैष्णवी प्रतिष्ठा ध्यान दे इस बात पर ध्यान दे इसीलिए भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी जगह पोपाद जगत गुरु जी ने वैष्णव के याद है ना वैष्णव के कौन वैष्णव है इसी जो वर्ड्स लिखा है इसी ने पोपा जी पोपा जी ने लिखा है वैष्णव प्रतिष्ठा तथे कौर निष्ठा ताहा न कुरे रोभिवे बांग्ला में है थोड़ा बहुत जानकारी तो जरूर आपका है बांग्ला में वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते कौर निष्ठा ताहा ना लोभी वे इसका माने क्या है पौ कह रहे हैं अगर वैष्णवी प्रतिष्ठा का ओर ध्यान ना दे अगर अगर आप वैष्णवी प्रतिष्ठा को छोड़ दिया वैष्णवी प्रतिष्ठा को आप छोड़ दिया तो यूं समझ लो आपका पतन हंड्रेड परसेंट पौपात कह रहे हैं वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते निष्ठा वैष्णवी प्रतिष्ठा में थोड़ा निष्ठा करना चाहिए अब ये प्रश्न आता है प्रतिष्ठा हर किस्म का प्रतिष्ठा तो महाराज खराब है आप कह रहे हो पोपात कह रहे हैं कि वैष्णवी प्रतिष्ठा में ध्यान देना चाहिए बोला हाँ रघुनाथ रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बताया अपना प्रतिष्ठा साधिष्ठा सपच रमणी में हृदय क्या बताया प्रतिष्ठा साधिष्ठा सपच रमणी में हृदय न प्रतिष्ठा सा को रघुनाथ दत् बड़ा घृणित माना है बड़ा घृणित रूप से इसको विचार किया प्रतिष्ठा साधिष्ठा ये सपच रमणी एकदम नीचा खानदान का एकदम गिरा हुआ लूज कैरेक्टर रमनी इसका साथ रघुनाथ दास से तुलना किया प्रतिष्ठा सा धृष्टा प्रतिष्ठा सा का इतना एडासिटी है इतना स्पर्धा है कि गुरु वैष्णव को इनकार करके उसको फेंक के अपना प्रतिष्ठा के लिए दौड़ता है वैष्णवी प्रतिष्ठा का माने क्या है महाराज वैष्णवी प्रतिष्ठा का माने क्या है वैष्णवी प्रतिष्ठा का माने क्या है गुरु जी से मैंने पूछा था ये तमाम भक्तों लोग मेरे को टोकते हैं कि आप वैष्णवी प्रतिष्ठा का पीछे नहीं जा रहे हो आपका तो कुछ होगा ही नहीं अमंगल ही अमंगल आपका पतन हो जाएगी बोले ठीक है गुरुजी के का पास पहुंचा गुरुजी को विनती किया आप थोड़ा कीपा करके ये वैष्णवी प्रतिष्ठा क्या है मेरे को आप बताने का कष्ट करें विचार करके क्योंकि मैं परेशान हूँ हर आदमी बोलते हैं कि तुम वैष्णवी प्रतिष्ठा का पीछे नहीं हो देखो तमाम दुनिया प्रचार में जाते हैं प्रतिष्ठा का लिए वैष्णवी प्रतिष्ठा चाहिए तुमको हम बोला हम तो हैरान हो गया हम तो सुना ऐसा तो नहीं है शास्त्रों का विचार ठीक है चलो गुरुजी को पूछ ले गुरुजी को पूछे गुरुजी जी कृपा करके मेरा संशय को हटाए वैष्णवी प्रतिष्ठा क्या है आप कृपा करके बताने का कष्ट करें गुरुजी ने बताएं आप पहले बोलो आप पहले बताओ वैष्णवी प्रतिष्ठा व्हाट यू थिंक अबाउट इट आपका विचार क्या है वैष्णवी प्रतिष्ठा क्या है इस विषय में तुम्हारा विचार क्या है ये बताओ तो मैंने गुरुचरण का शरण करके मैंने जितना तक मेरा गुरु जी कृपा किया है उतना तक ही है उसका ऊपर कैसे ही जा सके गुरु जी को बताए मेरा ख्याल से जहाँ तक मैंने महाजनों को सुना है कि तमाम अपना जिंदगी में जितना सारे प्रतिष्ठा आ रहा है तमाम प्रतिष्ठा गु, गुरु का गुरु गुरु श्री गुरु कर कमल में दे देना ये सारे जितना प्रतिष्ठा आए जितना जित, प्रतिष्ठा हमारा जीवन जिंदगी में आए जितना प्रतिष्ठा हमारा जी जीवन जिंदगी में आए सब प्रतिष्ठा गुरु का श्री गुरु करकमल में दे दे और एक बूंद भी चोरी चोरी ना करे कि कोई प्रतिष्ठा का हकदार है गुरु जी प्रतिष्ठा का हकदार है गुरुवर्ग मेरा प्रतिष्ठा का कोई हक कोई हमारा कोई अधिकार नहीं है ऐसा करके मेरा गुरु जी मेरा गुरु जी जितना प्रतिष्ठा इनके जीवन में मिला सब इनके गुरु जी के चरण में दे पोपात का हाथों में दे दे पोपात इनके गुरु जी का हाथ में दे दे ऐसा करके टोटल प्रतिष्ठा जो है ए नो सीधा जाके नित्यानंद बलराम जी का चरण में पहुंच जाएगा हमारा ख्याल से गुरु जी इसी को वैष्णवी प्रतिष्ठा बोले बा बेटा बा, ठीक बताया ये वैष्णवी प्रतिष्ठा है कि जितना प्रतिष्ठा है हमारा जीवन जिंदगी में आप लोग मेरे को मला चढ़ाओ क्या प्रणाम करो कुछ भी हमारा प्रशंसा कर दो मेरा जिंदगी में मेरा दिल में जरा सा भी कंटेमिनेशन नहीं फैल सकता है मेरा पाद पद्मो नित्यानंदो मतलब पाद पद्मो मन्नाथ जगन्नाथ मद गुरु जगत गुरु मन्नाथ जगन्नाथ ये गुरु जी ने मेरे को इतना ऊंचा मेरा गुरु जी ने मेरा जिंदगी में इतना ऊंचा संग दिया पाद पद्मों ने मेरा जिंदगी में इतना बड़ा ऊंचा संग दिया कि मेरे को एक छोटा मोटा संग है घृणित जो नीचा संग है मेरा अच्छा नहीं लगता ये गुरु जी का महिमा है गुरु जी ने बोला है ठीक यही बचने पर प्रतिष्ठा जो प्रतिष्ठा जीवन जिंदगी में आए सारे प्रतिष्ठा लेकर जैसे भागवत जी महापुराण में है लवधार्पणम जो मेरा जिंदगी में प्राप्ति हुआ प्रणामी है कुछ भी आप लोग दे दो सब गुरु कर कमल में दे देना ये उचित है लबधार जो आया है मेरे जिंदगी में मेरा भोगने का कोई अधिकार नहीं है ये विचार पक्का है तमाम प्रतिष्ठा गुरु का गुरु जी का करकमल में दे देने से और गुरु जी उनके गुरु जी का चरण गुरु जी का करकमल में ऐसा करके तमाम दुनिया का जितना सारे प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठा का हकदार है नित्यानंद बलराम, द ओरिजिनल सोर्स ऑफ गुरु तत्व गुरु तत्व का मूल सोर्स है गुरु तत्व का गुरु तत्व का मूल सोर्स है नित्यानंद नित्यानंद बलराम, और बलराम जी का चरण कमल में जितना सारे दुनिया का प्रतिष्ठा माने वास्तव प्रतिष्ठा सारे नित्यानंद जी का चरण कमल में उपस्थित है एक बात ध्यान देना कीर्तन में आता है कितन में यह आता है कीर्तन में यह आता है नीतायर सेवक नित्यों नितायर चरण नीताय चरण नित्य है नितय चरण में जितना सारे गुरुवर्ग है सारे नित्य है नीतायर चरण सत्व हारो सेवक नित्य ध्यान दे देतायर चरण सत्य नीताय चरण कमल इटर प्रेजेंट एब्सोल्यूट ट्रूथ ये एब्सोल्यूट ट्रूथ का साथ मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता चाहे आप लोग मेरे को छोड़ दो आई कैन नॉट मेक एनी कंप्रोमाइज विद दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ क्योंकि एप्सोल्यूट ट्रूथ का साथ कॉम्प्रोमाइज का मतलब है गद्दारी मेरा अपना प्रतिष्ठा के लिए थोड़ा मीठा मीठा बात बोला गद्दारी किया एप्सोल्यूट ट्रूथ को नहीं छुपाया मैंने और एटॉल इफ्यूसी फिफ्टी परसेंट ट्रूथ बोला है आधा सच बोला है हाफ ट्रूथ इज नॉट ट्रूथ आधा सच्चा मैंने बोला है तो भी झूठा इसके लिए पनिशमेंट और ज्यादा मिलेगा हाफ ट्रूथ इज नॉट ट्रूथ नितायर चरण सो तहारो सेवक नित्य नित्यानंद चरण कमल इटरली प्रेजेंट मैंने बताया अनंत ब्रह्मांडो जहां भी देखो अगर नितय चरण का अनुभूति ना आए अपना इंजॉइंग मूड पैदा हो जाए तो यू समझो कि पतन यू समझो कि पतन नित्या चरण सत्यो तहारो सेवक नित्य नितई चरण में हमारा वर्ग सदगुरु नॉट चीटर गुरु हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है किसी का साथ जितना सारे सदगुरु है सब सदगुरु का महिमा क्या है ना नित्यानंद चरण का मले नित्य स्थिति है दे आर एगि दे आर एग्जिस्टिंग इटरनली एन टू द लोडसात नित्यानंद प्रभु नित्यानंद चरण कमल में मैंने अभी बताया तमाम दुनिया का प्रतिष्ठा नित्यानंद चरण चरण में देनी चाहिए इसी में मेरा भलाई है जो किस्म का प्रतिष्ठा जीवों का जीवन में आता है चाहे ब्रह्मा से लेकर चेटी तक चाहे ब्रह्मा से लेकर चेटी तक सब कोई का प्रतिष्ठा है हमारा चेटी का प्रतिष्ठा यस आप समझाई नहीं प्रतिष्ठा ये संस्कृत व्याकरण में इसको स्प्लिट अप करो डिवीजन करके इसको इसका मतलब क्या है समझने का कोशिश करो क्या है प्रति प्लास स्था इसके साथ उ जो करके ऐड करके प्रतिष्ठा शब्दों निष्पन्न होता है संस्कृत व्याकरण में पहले प्रतिष्ठा को भाग करो प्रति प्लास्था प्लस वो ये जोड़ के एक साथ प्रतिष्ठा शब्दों का उत्पत्ति होती है संस्कृत में सारे शब्दों का उत्पत्ति का अनुसार इसका लिंग का विभाग होता है जेंडर इतना साइंटिफिक लैंग्वेज है संस्कृत कहने का मतलब ये है प्रति प्लास्था स्थामिन ये धातु है प्रति का साथ अगर ये स्था धातु जो कर दो और उसका बाद इसका बाद आता है प्रतिष्ठा अस्था स्था इसका माने क्या है हम तो समझे नहीं स्था मिन एग्जिस्टेंस जगत में जो कुछ भी वस्तु है जगत में जो कुछ भी वस्तु है पेड़ पौधा से लेकर चेटी तक ब्रह्मा तक इंद्रो तक जो कुछ भी है सब अपना अपना पोजीशन में एक प्रतिष्ठा जरूर है ये कभी भी इनकार नहीं कर सकते हो ये प्रतिष्ठा जरूर है प्रतिष्ठा छोड़ के नहीं है प्रतिष्ठा है चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो देश का लिए प्राण देना चाहे उसमें भी गुप्त रूप में प्रतिष्ठा है हो सके वो थोड़ा अच्छा प्रतिष्ठा थोड़ा प्यूरिफाइड लेकिन नॉट टोटली प्यूरिफाइड कोई अगर कहे मेरे को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए वो झूठा बोल रहा है सरासर झूठा बोल रहा है प्रतिष्ठा सभी का है प्रतिष्ठा मैंने एग्जिस्टेंस मेरा पिताजी था पूर्वाश्रम में इसका भी प्रतिष्ठा है माताजी का भी प्रतिष्ठा है भैया का भी प्रतिष्ठा सब कोई का प्रतिष्ठा है पिता पिताजी का प्रतिष्ठा है समाज में उसका कुछ स्थिति है मेरा पिता है ये भी एक प्रतिष्ठा है मेरा एक प्रतिष्ठा है मैं साधु संत बना तमाम प्रतिष्ठा अब ये बात का ध्यान देना है ये प्रतिष्ठा क्या कंटामिनेटेड ना हो जाए कहने का मतलब है जो प्रतिष्ठा का मैं चर्चा कर रहा हूँ क्या ये तो मेरे को गिराने वाला नहीं है ना जो प्रतिष्ठा का बाद मैं कह कह रहा हूँ ये मेटेरियल प्रतिष्ठा हो सकता है और वैष्णवों के लिए वैष्णवी प्रतिष्ठा हो सकता है तो मेरे लिए वैष्णवी प्रतिष्ठा मेरा टारगेट है कोई अगर बोले महाराज या प्रतिष्ठा नहीं छे तो हाँ प्रतिष्ठा चाहता हूँ चाहता हूँ लेकिन वैष्णवी प्रतिष्ठा ये प्रतिष्ठा मेरा हृदय को कंटामिनेटेड नहीं कर सकता हर हालत में किसी भी तरीका से आप टेस्ट कर लो परीक्षा कर लो ये प्रतिष्ठा मेरे को कुछ नहीं बिगाड़ता है इसका नाम है वैष्णवी प्रतिष्ठा अब ये प्रश्न आता है तमाम जो प्रतिष्ठा है ये प्रतिष्ठा के जो सतित्व चेष्टिटी जैसे एक जैसे एक जैसे एक पवित्र रमणी जैसे एक पवित्र रमणी जैसे एक पवित्र रमणी का चेष्टिटी है मतलब इसका सतित्व कैसे है पति देव दिवोत, पति देवता का चरण में इन ए, ए देवी जी का आत्मनिवेदन पति देवता के चरण में इनके जो आत्मसमर्पण है ये है इनके लिए प्रतिष्ठा लेकिन फिर भी ये जड़ प्रतिष्ठा अगर हम प्रतिष्ठा का चेष्टी पवित्रता अगर हम प्रतिष्ठा का चेस्टिटी पवित्रता रक्षा करना चाहता हूं अगर मैं प्रतिष्ठा का चेस्टिटी रखना रखा करना चाहता हूं यह भावना अगर है तो मेरे को यह सोचना चाहिए कि तमाम वैष्णवी प्रतिष्ठा का तमाम दुनिया का प्रतिष्ठा सबका हकदार है नित्यानंद चरण नित्यानंद चरण में सारे प्रतिष्ठा को अर्पण करना नित्यानंदो बलोराम जी का चरण में तमाम प्रतिष्ठा का अर्पण करना दैट इज माई चेस्टिटी ये एम पवित्र ये पवित्रता है मेरा क्योंकि जीवात्मा सब शक्ति तत्व तो। जीवात्मा सब शक्ति तत्व तो कोई नहीं बोल सके मैं मर्दाना हूँ मैं जनाना हूँ ये तो एट प्रेजेंट टाइटल टेम्पोरि टाइटल, तमाम जीवात्मा जो है सारे जीवात्मा शक्ति तत्व कोई अगर अज्ञान, अज्ञान के द्वारा प्रेरित होकर कहे मैं मर्दाना हूं ये जनानी है ये मर्दाना हूं ये तो गलत है ठीक है इस जगत में तो ठीक है लेकिन आपको अनुभव में आना चाहिए जे तमाम ये जो विचार है ये ऐसा विचार होनी चाहिए कि हमारा जिंदगी में जितना सारे प्रतिष्ठा पे स्ने प्रतिष्ठा शब बलराम नित्यानंद जी का चरण कमल में अर्पण करना चाहिए अभी जो हम अभी जो हम एनालिटिकली व्याख्या किया इसमें आपका ध्यान है हमने बताया स्था ये जो स्था धातु ये जो स्था धातु है ना ये स्था धातु मतलब एक्जिस्टेंस ऑल ऑब्जेक्ट ऑल मैन वो दे कैन डिस्कवर वन डिस्कवर देर पोजिशन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बाक तो लोग अपना पोजिशन डिस्कवर कर गुरु जी का मैं दास हूं नित्यानंद बलोराम का दास हूं बस ये हो सके अब ये जो प्रतिष्ठा का बाद में हमने बोला मतलब दुनिया में तमाम चीज जो दिखाई पड़ता है नहीं दिखाई पड़ता है ऑल कमिंग फॉर फ्रॉम नित्यानंद बलोराम याद है ना अगर अपरागिक जगत का बारे में सोचो अपरागिक जगत का धाम आदि परिकर सब कहां से आया है ब्रह्म संगीता का ये श्लोक का विचार करना सहसम कमलम गोकुलाक्षम महत्पदम तत् तत अनंतांश संभव ऑल कमिंग फ्रॉम अनंतांग कहने का मतलब है भगवान का कैटेगोरिकली तीन शक्ति है बेसिकली है ना एक है संधिनी संगित लादिनी उस दिन अंग्रेजी कथा में बड़ा लंबा चौड़ा चर्चा हो रहा था अभी मेरा पास टाइम नहीं है बहुत कम टाइम मितन च सारम चाग्मिता ये जो संधिनी शक्ति है संधिनी शक्ति के द्वारा डायरेक्ट संधिनी शक्ति के द्वारा ये अपरा की जगत का जो धाम है आपरागिक जगत का जो परिकर वैशिष्ट है वाट टू स्पीक मोर ज्यादातर क्या ज्यादातर क्या बोले मैं ज्यादातर क्या बोले यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन जहाँ भगवान विराजमान होते हैं भगवान का खरम भगवान का छत्रु भगवान का जनुई भगवान का सब कुछ ऑल बलराम नित्यानंद ध्यान दे बात पर भगवान का भगवान श्री कृष्ण का ओनली वन थिंग है क्या है ये विल पावर भगवान गोइंग टू रिजर्व वन पावर दैट इज कॉल उसको क्या बोला जाता है बोले ये विल पावर भगवान का विल पावर है बाकी सारे बल्लाभ जी का है भगवान का धाम भगवान का मंदिर भगवान का जो कुछ भी आप सोचो दस बारह किस्म का उपाय से भगवान का विस्तारा भगवान का जो कुछ भी है गद्दा जो कुछ भी आप सोचो सब भगवान का ऑर्नामेंट जो कुछ भी हो सारे बलराम जी सारे बलराम नित्यानंद जी जी का और ये जो संदिनी शक्ति का एक्सप्रेशन ये मैनिफेस्टेशन ये संदिनी शक्ति का ये विनाश के द्वारा ऑफ्राकि जगत का ये जो धाम आदि सब हमने वर्णन किया एंड इस, इसका ही एंडेड रिफ्लेक्शन शक्ति का परवरटेड रिफ्लेक्शन माया के द्वारा इस जगत में जो माया का जो जगत है इसमें तमाम दुनिया दिखाई पड़ता है ये कहां से आया ये भी संदनी से इस जड़ जगत में एक आदमी दूसरे का साथ प्यार मोहब्बत में जुड़े रहते हैं चाहे लायल, लायला मजनू हो चाहे जिम डेला हो चाहे जिम डेला हो चाहे तुम्हारा ये जो है नाम क्या है नॉल रोमती कोई भी लव अफेयर हो ऑल कंटेमिनेटेड एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द मेटीरियल वर्ल्ड इट इट कैन रीच सम हाइस्ट पॉइंट बट दिस इज नॉट फाइनल ए जड़ जगत का विचार के अनुसार ए जड़ जगत का विचार के अनुसार हो सके जड़ जगत का जो स्टैंडर्ड का अनुसार हो सके इट इज मैक्सिमम लेवल बट पोपा जी ने बताया इसमें भी कंटोमिनेशन है एकमात्र गुरु वैष्णव भगवान का जो प्यार है ये अप्राकृत है गुरु वैष्णव का जो प्यार है भगवान का लिए अप्राकृत है बड़ा लंबा चौड़ा चर्चा करने का समय नहीं है भक्ति कैसे भगवान को बशीभूत करते हैं बसीभूत करती है भक्ति इसका बड़ा सुंदर व्याख्या अच्छा है जो भी है कहने का मतलब है नित्यानंद बलराम जी छोड़कर भगवत प्राप्ति मतलब गुरु वैष्णव छोड़ कर भगवत प्राप्ति क्वाइट इम्पॉसिबल भगवान बलराम जी महाराज हमारा सामने नित्यानंद रूप में प्रकट है मोर मर्सीफुल ऐसे ही गुरु तत्व तो बड़ा अद्भुत तत्व तो है गुरु तत्व तो ऐसा आजीब तत्व तो है देखो दुर्जोधन जैसा दुष्ट है मेरा कहने का मतलब है जे विचार करना आप लोग ये दुर्योधन जैसा है दुर्योधन जैसा इतना दुष्ट आदमी है इतना बदमाश है उसके लिए भी बल्ला जी महाराज सोचते हैं हैरान की बात है दुर्योधन जैसा इतना दुष्ट है बदमाश है इनके लिए भी बल्ला जी महाराज सोचते हैं इसका बड़ा प्रमाण है भागवत में अभी बोलने का टाइम नहीं है अब देखो ये जो जगाई मादाई है ये जगाई मादाई कितना बदमाश है ये जगाई मदाई को बचाने के लिए नित्यानंद बलराम क्या कुछ नहीं किया बताओ आप करोगे थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट थोड़ा इधर उधर हो जाए मारपीट शुरू कर दोगे हैरान की बात है कैन लूज योअर पेशेंसी वैष्णवों का कितना पेशेंसी है कितना धैर्य है बड़ा आश्चर्य की बात है नित्यानंद जी जगाई मदाई को बचाने के लिए भगवान को हाथ जोड़ा आप इसको बचा लो भगवान ने सुदर्शन चक्रों को बुलाया आ जाओ लेको भगवान लेकिन बलदाव जी महाराज नित्यानंद जी ने बताया आपका इस अवतार में आपको अस्त्र धारण करना माना है आपने प्रतिज्ञा किया है आपको अस्त्र धारण करना नहीं चाहिए संंग पांग अस्तु पार्षदम कभी श्लोक का चर्चा हो तो हम करेंगे अभी टाइम नहीं संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन ये इसके द्वारा तमाम दुनिया का जो बद्ध जीव है कोई का मंगल का व्यवस्था भगवान ने किए है भगवान का नाम नित्यानंद भगवान का क्या नाम है अभी बल्दाव जी महाराज आए हैं आए हैं मतलब यह नहीं कि बल्दाव जी महाराज आगे हैं कि नित्यानंद पाछे है ये तो आगे है बोला नहीं ऑल इटर प्रेजेंट लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दर एब्सुल्यूट ट्रूथ जब भी हमने बुलाया बताया ये धामों का निर्माण बल्लाजी महाराज किया इसका मतलब ये नहीं कि काल ये धाम का निर्माण हुआ इटरनलिप्रजेंट नित्य जगत में तमाम बद्ध जीव भगवान से आया है इसका मतलब ये नहीं कि जीव का प्रोडक्शन काल हुआ है ये सब दिमाग में आएगा नहीं Try to hear हरिकथा from right source, you can feel some impact reaction. I promise you. ध्यान दे इस बात पर नित्यानंद बलोराम बलदाव महाराज नित्यानंद रूप पे आए हैं इसका मतलब ये नहीं कि नित्यानंद बलराम पहले नित्यानंद ये नहीं इटरनली प्रेजेंट अब कहने का मतलब है नित्यानंदो का नाम है नित्यो आनंदो क्या नाम है नित्यानंद बाबू का क्या नाम है नित्य आनंदो नित्यानंद नित्यानंदो को स्प्लिट अप डिवीजन करो नित्तो प्लस आनंदो मतलब इटर्नल ब्लिस इटर्नल एंजॉयमेंट जो एंजॉयमेंट का पीछे दुनिया भग रहा है पागल का मापिक ये पागलपंती है यह पागलपंती है दुनिया का आदमी दौड़ रहा है अपने को नरक में ले जाने के लिए भगवान इसके लिए जुम्मेबारी नहीं है भगवान ने गीता में बताया हम क्या करें हम तो बोला हमारा पास आएगा नहीं हम क्या करें भगवान ने बोला हम तो बोला हमारा आया, वो बोला नहीं आएगा क्या करें गुरु जी कहते थे नित्यानंद ऐसा करके बुला रहा है आजा आजा मेरा पास आ अब आएगा नहीं क्या करें इसीलिए भगवान गीता में कह दिया शाफा कह दिया पापम आदत्त्य सुकृतिम विभुम अज्ञानी नो आवृतम ज्ञानम तेनो मुझंतः तो ये तमाम जीव उल्टा रास्ता में जा रहा है हम क्या करें हम तो बोला नहीं हम बोला हमारा पास आ जा नित्यानंद जी हमारा बृंदावनदास ठाकुर महाशय लिख रहा है चैतन्य अष्टकम में नित्यानंद बुला रहे अरे सारे मेरा जुम्मेबारी है मैं मैं लेता हूँ आजा मेरा पास आ जा नित्यानंद बलोराम डिक्लेयर कर दिया आपने सुने होंगे ये कीर्तन नहीं सुने क्यों नहीं सुने नित्यानंद बलराम जी ने डिक्लेयर ऐलान कर दिया तमाम जीवों का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है अब सो ब्रजवासी का नकली करके गाओ ये ठीक नहीं है ब्रजवासी का नकली करके ये गाना ला के अब चला दो गोवर्धन में मैंने सुना था कन्हैया ले चलो पल्ली पार कन्हैया ले चलो पल्ली पार <laughs> आप गाने में बहुत अच्छा लगता है कन्हैया पल्ले पल्ली पर पल ले जाए कि बलराम ले जाए कौन ले जाए बलराम ले जाए ना तो फिर गुरु बिना भवन निधि त्वर न कोई गुरु जी नहीं है तो कुछ नहीं है यूं समझ लो कि गुरु जी नहीं है तो कुछ नहीं है सारे वैकेंट सारे खाली हो गया कुछ नहीं है गुरु वैष्णव का अपमान कर दिया गुरु वैष्णव का इनकार कर दिया गुबा, गुरु गुरु वैष्णव का कृपा को ठुकराया तो इसका नतीजा भोगना पड़ेगा नतीजा भोगना पड़ेगा हाँ गुरु जी मेरे को बहुत प्यार करते थे इट इज योर ओन एडवर्टाइजमेंट डोंट स्पीक दैट वे गुरु जी मेरे को बहुत प्यार करते थे महाराज इट इज वन काइंड ऑफ योर सेल्फ एडवरटाइजमेंट ये नहीं करना कभी नहीं करना आप सोचो कि आप कितना प्यार करते थे गुरु जी को ये बताओ आई लो आई वॉन्ट टू नो दैट अकाउंट हम ही ये हिसाब किताब हम ये हम ये हिसाब किताब लेना चाहता है जे मेरा कितना प्यार था गुरु जी का ऊपर गुरु जी मेरे को प्यार करते थे अरे गुरु जी का स्वभाव है गुरु जी कुत्ता बिल्ली को भी प्यार करते थे मैंने देखा एक गौ माता का एक बछड़ा है ले आओ ले आओ ले हरिनाम दिया तो गुरु जी का ये ये तो गुरु जी का क्रेडिट है गुरु जी का ये नियम है परमहंस और गुरु वैसा हर कोई को प्यार करते है इतना अपमान किया इतना इनकार किया फिर भी जब बात किया तो बच्चा जैसा बेटा क्यों नहीं मेरा साथ कनेक्शन रखा क्या है कि किस लिए मेरे को मेरा साथ मिले बिना चला गया कैसे 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 चला गया मेरा याद नहीं आया मेरा मेरा प्यार नहीं याद किया आपने अच्छा किया चलो लेकिन मेरा तरफ से तो मैं गद्दारी नहीं कर सकता मेरा तरफ से मेरा किसी भी हालत से मैं गद्दारी नहीं कर सकता क्योंकि मैं गुरु क्या दास हूं गुरु जीवेर स्वरूप हॉय कृष्ण नित्य दास इसको पोपा जी ने जब संतकों से मैंने चेंज किया था तो पोपा जी ने बड़ा प्रसन्न हुआ जीवे स्वरूप हुआ गुरु दास इस बात का एहसास होना चाहिए जीवे स्वरूप हुआ गुरु दास इस बात का एहसास होना चाहिए होनी चाहिए नहीं हो तो बेकार बेकार हो जाएगा अब नित्यानंद मतलब इटर्नली प्रेजेंट नित्य आनंदमय जगत जिसका अनुभव मेरा दिल में नहीं है जिसका अनुभव मेरा दिल में नहीं है जबी मैं उल्टा रस्ता में दो रहा हूं नॉट दैट इटर नॉट दैट इटर्नल एंजॉयमेंट अप्राकृत सुखानुभूति इज नॉट देर इनसाइड द स्वरूप ऑफ माई जीवा जीवात्मा नॉट दैट जीवात्मा का स्वरूप का अंदर में हमने कई बार कह चुके जीवात्मा ये जो इन्फिनाइट स्मॉल जो लोग मैथमेटिक्स में कैलकुलस किया है वो समझेगा इन्फिनाइट स्मॉल टेंस टू इन्फिनिटी टेंस टू जीरो कंसेप्शन बराबर होनी चाहिए उल्टा हो गया तो हो गया तमाम जो जीवात्मा है स्वरूप का विचार करे ज्ञानमय आनंदमय ज्ञानमय है आनंदमोय और ये तो इटरनली प्रेजेंट है ही है जीवात्मा हर वक्त है लेकिन मिल नहीं रहा है एक खो गया है मैं जो भगवान का दास हूं ये खो गया है इसीलिए याद नहीं है नित्यानंद प्रभु जी ने ऐलान कर दिया ये मेरा जुमा है आमारे की निया लहो भजो गौरो हमको खरीद कर ले হামারে কি লহ আমারে কি লহ ভজো গৌরহরি আর বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সংস্কৃত কীর্তন লিখে চৈতন্য সংসারাম বুধি তরন দায় মিল কোলা নিত্যানন্দ বল কে বোলা অতো ব সংসারাম বুধিত बुद्धि दायो मई लगे नित्यानंद बोलोराम ऐलान कर दिया तुम सभी का बेरा पार करने का जुमा मैं लिया बस एक काम करना है वो क्या है अतो बो संसारम तरण दायो मई लगे द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइट लाइंग विथ मी तुमको एक ही काम करना है वो क्या है हमारे किनिया लोहो भज गौरोही इतना कर नहीं सकता दुनिया का इतना सारे कठिनाई दुनिया में इतना सारे कठिनाई का सामना करे फिर भी इसको फिर भी इसको टायर्डनेस अनुभव नहीं होता इतना सारे क्रियाक्रम में लगे हुए हैं सबसे इजी है सबसे सहज चीज है हरि भजन ये नहीं कर सकता आई बात समझ में मैं क्या कर दुनिया भर का टेक्निकल कैपेसिटी या तो लीगल कैपेसिटी फारे दिखा देगा फिलोसॉफिकल कैपेसिटी सब दिखा देगा लेकिन भजन करने बोलो ये संभव नहीं क्यों इसमें तो त्रिनांद भी होना पड़ेगा नित्यानंद प्रभु का अनुगत में रहना पड़ेगा ना नित्यानंद बहू जी ने बोला ना नित्यानंद बहू जी बोला ये नहीं हो सका हमसे ये नहीं बनेगा दुनिया भर का मैं है ना दुनिया भर का सारे चीज कर सकता हूं आई कैन डू एवरीथिंग टू प्रूव माय एफिशिएंसी जैसे दक्ष महाराज है ना दक्ष प्रजापति जानते हो ना दक्ष प्रजापति का नाम सुने होंगे ना आप क्योंकि दक्ष प्रजा प्रजापति का कारण ये दक्ष युग हुआ था शंकर भगवान को अपमान किया था ये दक्ष प्रजापति इसका नाम दक्ष पर गया you know? इसका ये जो दक्ष प्रजापति है इनके नाम कैसे दक्ष हो गया महाराज ये बताओ दक्ष प्रजापति का ये जो नाम है किसने रख दिया दक्ष मतलब क्या है एफिशिएंट दखो का माने क्या है एफिशिएंट वो बात कह रहे हैं ये रक्त तो मांस का दुनिया में ये जो बाल बच्चा पैदा करना संसारिक जीवन में प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट करना इज वेरी एफिशियंट इन दिस रेस्पेक्ट इज वेरी वेरी एफिशियंट इन दिस रेस्पेक्ट इसका डेविड एंड क्रेडिट कैलकुलेशन कर सकता इसीलिए इसका नाम पर गया क्या क्या पर गया इसका नाम दक्ष इज वेरी एफिशियंट इज वेरी एफिशियंट इज वेरी केयरफुल बड़ा होशियार अपना इंटरेस्ट टू प्रिजर्व हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट इज वेरी केयरफुल इसीलिए इसका नाम है दक्ष हो अब हम ऐसा ही एफिशियंसी प्राप्त करना चाहे दुनिया भर का भजन करने बोलो भजन कैसे करें जबकि सब सबसे ईजीएस्ट पसी सबसे सबसे सीधा है इतना इजी, इतना इजी कुछ नहीं है मैं प्रॉमिस करके बोल रहा हूँ गुरु जी का नाम से नित्यानंद का नाम से भजन इतना इजी है मेरे को भी एहसास करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि मैंने भजन कर लिया ऐसा एडेसिटी मेरा नहीं है कहने का मतलब है मेरा अनुभव आया है गुरुवर्गों से जो भजन करना सबसे इजी टास्क है दुनिया भर का हार्ड टैक्स सब कर लोगे बिजनेस और यू नो सारा प्रोफेस प्रोफेशन करो परम जो हमारा गुरुपाद पद्म परम जो किशो कोशी मार कहते थे किसी का किसी का अंदर में लीगल ये नो विषय में उसका जानकारी ज़्यादा है लीगल एक्सपर्ट किसी ने टेक्निकल एक्सपर्ट है तरह तरह का एक्सपर्ट है वो सब अपना दिखा रहा है लेकिन हरिभजन करो इतना इजी है क्यों क्यों जी ने बताया भक्ति इज अ नेचुरल फंक्शन ऑफ योर शोल भक्ति करना इतना इजी है इसमें कोई डुप्लिसिटी अगर ना हुए तो देखो तो देखो विचार करके ये तो आपका आत्मा का स्वाभाविक वृत्ति है इट इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर शोल जो क्रियाक्रम आप कर रहे हो दैट इज नॉट योर नेचुरल फंक्शन आई बात समझ में आई बात समझ में जैसे वाटर जल है लिक्विडिटी इज नॉर्मल प्रॉपर्टी उसका सॉलिडिफाई हो गया जीरो लेवल में ये तो असंभव है सॉलिड हो गया ऐसे ही विचार करके ध्यान देना इस विचार पर हरी भजन इज अ नेचुरल फंक्शन ऑफ योर शोल इज क्वाइट नेचुरल इज क्वाइट नेचुरल दैट आई कैन डू हरी भजन एबनॉर्मल नहीं है एबनॉर्मल तो यह है जो मैं दिखा रहा हूं मैं कपट नंबर वन हूं मेरा जैसा कपट कोई नहीं है मैं दिखावा भजन कर रहा हूँ ये सबसे बड़ा कठिन है क्योंकि इसमें कितना जड़ जगत का आदमी का साथ झूठा बोलना पड़ता है मेरा इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए इंटरेस्ट मतलब मेटेरियल इंटरेस्ट कितना कितना कुछ कर करने का होता है लेकिन सारे बेकार है हरिभजन से बढ़कर इतना इजी कुछ नहीं है और ये इटर्नल एंजॉयमेंट हमारा स्वरूप का अंदर में बैठा हुआ है और नित्यानंद प्रभु ये नाम का एनालिटिकल इंटर एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन ये नाम का जो एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है नित्तो प्लस आनंदो जब हिरण्य कश्यबू ने जब हिरण्यकश्यबु ने प्रहलाद महाराज को मारने का कोशिश किया इसको फेंक दो इसको उड़ा दो ये रहने से मेरा प्रतिष्ठा का खिलाफ है आई एम गोइंग टू लूज माई प्रतिष्ठा जैसे जो का चरित्र आर्चना सिद्धांत तो भी जब चर्चा किया उधर देखना जादवाचार्यों इन्हें सोचा कि ये बच्चा जो है ये लड़का जो है इसके लिए मेरा प्रतिष्ठा खो जाएगा इससे अच्छा है इसको मार डालो रामानुजाचार्यों को मारने का कोशिश किया लक्ष्मण देशिक ध्यान दे इस बात पर जादवाचार्यों ने सोचा जादवाचार्य जादवाचार्य तैयार कर लिया कि इसको मारना ही है कि अगर जिंदा रहे तो मेरा प्रतिष्ठा भग जाएगा जीरो जीरो हो जाएगा इसको मारो ऐसे प्रहलाद महाराज को मारने के लिए हिरण किसी प्रयास तरह तरह का प्रयास प्रचिष्टा किया है या तो ऊपर से पहाड़ी का चट्टी से नीचे फेंक दो या तो गुफा का अंदर में कन्फाइन कर दो मार डालो या तो पॉइजन खिला दो शरबत पॉइजन का शरबत खिला दो या तो गरम तेल में इसको फेंको या को आग में इसको जलाओ या तो ट्राइडन तिशुल लेके उसको मारो चक्कू चलाओ क्या कुछ नहीं किया हिरण्य कशिपू ने क्या कुछ नहीं किया देख लेना देख लेना विचार करके भागवत खोल के विष्णु पुराण में भी है डिटेल डिटेल डिस्कशन लेकिन कुछ नहीं कर पाया जब चक्कू चलाया जब छुरी चलाया तरवाल चलाया प्रहलाद महाराज का कुछ नहीं हुआ क्यों बोले हिरण्य को पता नहीं था कि प्रहलाद महाराज नॉट ए मेटेरियल बॉडी प्रहलाद महाराज का रक्त मांसों का मेटेरियल बॉडी नहीं है ध्यान दे प्रद महाराज नित्य आनंदमय स्वरूप प्रहलाद युक्त लाद प्रहलाद प्रो माने प्रकृष्ठ प्रो, प्रो, प्रो प्लस लाद लाद माने आनंद प्रो मने, प्रो परा बी नी ये जो है उपसर्गो उपसर्गो का ऐड किया उपसर्गो का उपसर्गो का ऐड किया उपसर्गो जुग्नो उचुक्त करके प्रो प्लास लाद मतलब प्रोलाद मतलब नित्य आनंदो जिसका जिंदगी में है उसको खून करना उसको उड़ा देना उसको मारना पीटना संभव नहीं हिरणिपू को इसको पता नहीं था अब मैं हर साल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट एंगल से चर्चा करना चाहूँ समय बहुत कम है इतने में मैं इतना कहना चाहूँ कि बल्लाजी महाराज नित्यानंदो जब अल्टीमेटली वृंदावन से घूमकर तमाम दुनिया का तीर्थ किया जैसे बल्लाजी महाराज किया था कुरुक्षेत्र तो युद्ध शुरू होने का पहले नित्यानंद प्रभु भी तमाम तीर्थों का पर्यटन की और अंतिम में जाकर वृंदावन में छुपे रहे और वृंदावन में बच्चा का साथ गोप बालों का साथ खेलते रहे और यहाँ जब गौरंग महापो अपने को मैनिफेस्ट किया प्रकाशित किया उस समय नित्यानंद को बुलाया अंतर से अब आ जाओ अभी टाइम हो गया अब टाइम हो गया अब आ जाओ जब नित्यानंदो गौरंग महापो का इंडिकेशन मिला इनविटेशन मिला नित्यानंद तुरंत वृंदावन से आकर नंदन आचार्य भवन में छुपा के रहा अब गौरंग महापू कह रहे हैं हमारा निमाय पंडित गौरंग महापू कह रहे हैं भक्तों लोगों को हैरान की बात है आज सपने में आया एक महापुरुष एक सपने में आया महापुरुष एक बड़ा एक चैरियट आया रथ आया मेरा दार पे मेरा मुकान का मेरा मुकान का मेरा मंदिर का दार पे एक बड़ा रथ आया इसका नाम क्या है तालोध्वज क्या नाम है तालोध्वज अब रथ आके एक देखा एक बड़ा ये महापुरुष उसे उतारा है इतना सुंदर उसका भाव है जैसे प्रेम में मजगूल है प्रेम में हिल रहा है अब पूछ रहे हैं आदमी को ये निमाय पंडित का ये निमाय पंडित का मंदिर है क्या ये गौरांगो का मंदिर है क्या विश्व का अरे आप भक्तों लोगों को बोला मेरा सपने में आया भक्तों लोगों को महाप्रभु जी ने बताए मेरा सपने में आया आप जाओ ये काम करो तमाम नवद्वीप धाम को पता कर लो कहां ये महापुरुष आया जरूर आया होगा जरूर आया होगा अब कहां आया है जाके ढूंढ दून डालो ढूंढो जाओ तमाम भक्तों लोग सुबह से लेकर शाम तक ढूंढते ढूंढते परेशान होके महापू के पास आए बोले प्रभु थारे छानबीन किया है चप्पा छप्पा 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 छान मारी लेकिन मिला नहीं मापो ने हंसा मिला नहीं मिला नहीं कुछ नहीं मिला आ, आ जाओ मेरा साथ आओ बोल के सब भक्त भक्त लोगों को लेकर पूरा नंदोनाथा जो भवन में गया बोले देखो ये कौन है ये देखो अरे नित्यानंद प्रभु जैसे नशे के मारे प्रेम से मारे ऐसा ऐसा कर रहा है ये तो आया देखो ये कौन है दंडवत करो यही असली चीज है ये संपत्ति है ये प्रेम को वितरण करने वाला ये महापुरुष है साक्षात बलोराम नित्यानंद नितानंद ने उठा अपना प्रभु को देखकर रोते 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 दोनों परेशान हो गए एक दूसरे को अपना आलिंगन किए नित्यानंद प्रभु अज्ञान हो गया मूर्छा चला गया प्रभु का प्रभु का आलिंगन पाकर मूर्छित हो गया गौरंग मापु उसके गोदी में लेकर अपना आंसू बरसाया इसको अभिषेक किया महाप्रभु जी ने अपना अपना आंसू से अभिषेक किया क्योंकि ये बड़ा भाई है जुगल गीता में भगवत में देखना कैसा किश्नो बलराम जी को कितना सम्मान दिया बड़ा हैरान की बात है नित्यानंद बलराम ओरिजिनल सेवक ओरिजिनल सेवक विग्रह है नित्यानंद बलराम जो ओरिजिनल सेवक विग्रह है एट द सेम टाइम

बड़ा आश्चर्य की बात है गौरंग महापुर जी ने बताया ये श्रीपाद तुम्हारा बैस पूजा कब होने वाला है कहाँ होगा नित्यानंद ने दिखाया शिवास पंडित को दिखाया इसका घर में मेरा बैस पूजा होगा शिवास पंडित ने बोला ठीक है सब रेडी है काल बैस पूजा है बैस पूजा मतलब बैस पूजा का दिन व्यास पूजा हुआ मतलब समष्टि गुरु तत्व का पूजा ध्यान दिया बैष्टि गुरु और समष्टि गुरु का तत्व समझना चाहिए नित्यानंद बलुर जी का अर्चन हो जाए बैजदेव जी का अर्चन हो जाए ये सब गुरु तत्व तमाम सदगुरु का समाम तमाम सदगुरु का जो ओरिजिनल आधार है उसका अगर अर्चन हो जाए इसको गुरु तत्व का पूजा और एक एक गुरु हमारा गुरु जी का आविर्भाव है ना आपका गुरु जी का आविर्भाव ये बेस्टी गुरु तत्व का विचार है गुरु पूर्णिमा में ये समस्त गुरु तत्व का पूजा होता है तमाम आदमी दौड़ता है किपा प्राप्ति करने के लिए लेकिन कृपा कह कै, कृपा कैसे प्राप्त किया जाए इसको पता नहीं एक बात पर ध्यान दे गौरंग महाप्रो कह रहे हैं जब नित्यानंदो मूर्छा गया हाँ शरीर में हाथ दे के बुला रहे हैं महाप्रभु उठो उठो श्रीपाद उठो उठ के देखो क्या बात है सब मिल गया तुम्हारा जिस कारण तुमने अवतार लिया सब तो सारे मिल गया और नित्यानंद प्रभू जी ने ऐलान कर दिया ये ये जो प्रेम है तुम्हारा प्रॉपर्टी है तुम वितरण करो जिसको चाहे दो महापू जी ने बताया चैतन्य भागवत में देखना हे सिपात जागो उठो सब मिल गया तुम्हारा जिसके लिए तुम्हारा अवतार है सब ले लो ये तुम्हारा जुमा है और वितरण करते रहो जिसको जी चाहे चाहे जगह मादाई हो या तो कोई बेशा हो या आपका रुचि है अब दे दो सब कोई को आपका ऊपर है नित्यानंद प्रभु जी ने ये प्रेम वितरण करना शुरू कर दिया महाप्रभु जी ने आदेश दिया हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर और नित्यानंद को जाओ जाओ नित्यानंदो जाओ हरिदास नित्यानंद हरिदास जाओ घर घर में जाके सब कोई को नाम दे दो ये आपका प्रॉपर्टी है संपत्ति है आपका है वितरण करो नित्यानंद प्रभु को लेकर महाप्रभु जी ने संकीर्तन रास शुरू किया महाप्रभु जी ने नित्यानंद को लेकर संकीर्तन रास रच शुरू किया बहुत सारे तत्व विचार हैं इतने से छोटे समय में होता नहीं चर्चा संभव नहीं है बहुत सारे चर्चा है कहाँ से हम को चर्चा करें कहाँ बड़ा असंभव है क्योंकि हरि अनंत हरि रूप अनंत हरि गुण अनंत जो भी है ये नित्यानंद बलराम जी का बारे में दो चार शब्दों और कह दे ये नित्यानंद बलराम जी महाराज ये अवधुत सन्यासी है नित्यानंद अवधुत सन्यासी है यहाँ कोई आचार्यों ने नित्यानंद बहु का निंदा किया ये डेमोन है द्वैत्य तो है नित्यानंद बाबू का निंदा करके बोला नित्यानंद बाबू बो कभी शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो सन्यासी है जो गुरु वैष्णव का अनुगत्य नहीं करते चाहे तमाम शास्त्रों मुखस्त कर ले, लेकिन उसका समझ में नहीं आएगा ये इतना बड़ा मठ का आचार्य हुआ मैंने प्रतिवाद किया था उसको सेटअप कर दिया ये सब आचार्य का आसन में बैठा हुआ है कि सब आ कह रहे हैं ये क्या भलाई करेगा समाज का सारे है ना ये ऐसा ही हो रहा है कि सब गुस्म कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु अवधु सन्यासी है नित्यानंद प्रभु अवधु सन्यासी है ध्यान दे नित्यानंद प्रभु अवधु सन्यासी है अवधु अवधुत सन्यासी के बारे में श्रीमान भागवत जी महापुराण में बताया गया मैंने सुबह में भी ये बात चर्चा किया ज्ञान अनिष्ठो विरोक्तो व मधुभक्तो व अनपेक्षक स्वलिंगानम आश्रम त्यक्ता चोरे अविधि गोचरा दे आर बियॉन्ड इन रूल्स एंड रेगुलेशन ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन में आने वाला नहीं है ये जो ज्ञानोनिष्ठ विरक्तो व मधुभक्तो व अनपेक्षक स्वलिंगानम आश्रम त्यक्ता या भगवान बताए उद्धव जी को अपना लिंग हो सब फेंक दे नित्यानंद बबू जी ने अपना दंडो कमंडुल तोड़ दिया लिखा है चैतन्य भागवत में नित्यानंद बबू जी ने अपना दंडो कमंडुल सारे तोड़ दिया फेंक के फेंक दिया और माँ लेके गंगा में फेंका अब माने बताओ आप अगर आप अगर ये बुद्धि लेकर आप अगर आपका ये बुद्धि लेकर विचार करने जाओगे तो क्या करोगे क्या करोगे समझ पाओगे सब संभव है सन्यास किसको बोला जाता है गीता का विचार करो भगवान ने बताया सन्यास किसको बोला जाता है महाप्रभु जी ने संन्यास लेने का बाद महाप्रभु जी ने सन्यास लेने का बाद एक बात कही क्या बात महाप्रभु जी ने बताया है प्रभु कहे सन्यास ब्रोतो कोई लो ग्रहण महाप्रभु कह रहे हैं प्रभु कहे संन्यास व्रत कोई ग्रहण मुकुंद सेवाएं हाय संसार तारुण महाप्रभु जी ने कह दिया ये संन्यास ग्रहण का मतलब क्या है वट इज द इनर मीनिंग ऑफ संन्यास मतलब अपना जीवन जिंदगी का जो कुछ भी है सारे निछावर कर दो भगवान के चरण में सेवा में दे दो इसका नाम है संन्यास बाहरी दृष्टि में डंडा ले गया लाल कपड़ा ले लिया संन्यास तो ऐसा नहीं संन्यास का इनर मीनिंग है कभी अगर समय हो तो इसका बारे में लंबा चौड़ा चर्चा करने का इच्छा रखते हुए मैं इतना ही कहूँ कि नित्यानंद प्रभु अपना डंडो तोड़ दिया और गौरंग महाप्रू का जो डंडो कमंडल है ये भी नित्यानंद प्रभु ने तोड़ दिया पुरुषोत्तम धाम जाने का समय चंदोभागा नदी में नाने के लिए गोरंग मापू गए और डंडो डंडो रख के गए डंडो नित्यानंद बहू का पास अब जाए तो जाके जब नहा के आए मेरा डंडो दे दो माप मापोजी ने पूछा नित्यानंद बहू बोला तुम्हारा डंडो तो तुमने प्रेम के मारे मेरा ऊपर पड़ा मैंने दोनों मिलकर डंडो का ऊपर पड़ा साड़े तोड़ फोड़ के खत्म हो गया मैंने फेंक दिया हा? क्या बात है नित्यानंद प्रभु जब गौरंग मापू स्नाने के लिए गया डंडो को डंडो को हाथ में लेकर कह रहा है अनंत ब्रह्मांड नाथ तमाम दुनिया का भरण पोषण करता है इसको तुम इसको है तुम्हारा डंडो को तुम डंडो तुमको लेके गौरंग महापू चले हमारा प्रभु हमारा प्रभु तुम्हारा तुम जैसा दंडो को ये बहन करेगा है? इतना साहस है तुम्हारा ये को फेंक के डंडो को तोड़ के फेंक दिया बहुत सारे चर्चा का इच्छा रखते हुए बहुत सारे चर्चा का गहरा रहस्य विचार करने का इच्छा रखते हुए फिर भी क्षमा मांगे मैं कुछ नहीं कह पाया उपाय नहीं है समय नहीं है सब इतना ही कहूं जानो कृष्णाद विमुखोश दईवाद अधर्म शीलस्व सुदुखित अनुग्रहाएह चरंती नूनम भूतानी भाव्या जनार्दन जनश कृष्णाद विमुख दैवा अधर्म शीलस्व सुदुखित अनुग्रहाए हो चरंती नूनम भूतानी भाव्या और जेशाम सैश भगवान दयेद अनंतो

है तो आप तो लोगों से निवेदन है कि आप रेज योर हैंड बटन प्ले प्रेस करें तो ऋषिकेश अग्रवाल जी फ्रॉम कलकत्ता प्रश्न करना चाहते हैं तो ऋषिकेश हाँ। जी पूछिए प्रश्न आप हरे कृष्णा दंडवत पटाम महाराज की चरण में महाराज जी मेरा मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग देखते हैं कि चैतन्य चरित्रामृत में महाप्रभु के जितने भी एसोसिएट्स थे लेकिन नित्यानंद प्रभु जी का सब कुछ सबसे स्ट्रेंज है नित्यानंद का इसीलिए तो अवधुत मतलब ऑल स्ट्रेंज अवधुत का मतलब ही है कोई समझ में नहीं आएगा नित्यानंद प्रबू खुद बताया प्रभु तुमने मेरे को जो करा रहे हो इसमें गलत समझेगा आदमी तो समझे समझे सेवा से मतलब है ना नित्यानंद बाबू सेवा को ही समझा नित्यानंद बाबू सेवा के लिए कुछ भी कर सकता इसलिए कोई अगर निंदा चुकली करे उसका भी परवाह नहीं है नितान्बू का स्ट्रेंज है उसका व्यवहार बोलना चालना ऐसा अवधुत सन्यासी है मैंने बताया ये अद्भुत है बहुत सारे तत्वों चर्चा करने का इच्छा है लेकिन अभी तो समय नहीं परमिट करे रात हो गया आपका और कोई क्वेश्चन है बताओ ये तो अवधुत है ही मैंने अब उसका उत्तर दिया है कैसे माप नित्यानंद बाबू जी ने शादी किया क्यों किया इस बारे में चर्चा होता है समाज में ये लोग इतना गिरे हुए इंसान हैं समझता नहीं है ऑल एक्टिविटीज ऑफ नित्यानंद ऑल रेगुलेटेड बाय गौरंग समस्त क्रियाक्रम उठना बैठना चलना खाना सारे गौरंग मापो रिमोट कंट्रोल गौरंग कह रहे हैं और नित्यानंद बाबू गौरंग मापो कह रहे हैं साउथ इंडिया में मेरे को ले चल हाँ हाँ तुमको ही ले जाएगा तुम मेरे को नचाते हो पूरा दिन रात और तुमको ले जाएगा <laughs> ऐसा ही है भगवान नित्यानंद बलराम का स्ट्रेंज है सारे बिहेवियर लेकिन अगर आप गुरु वैष्णव का अनुगत्व में आप इसको विचार करें तो गलत फहमी होने का कोई चांस नहीं है नो पॉसिबिलिटी दैट दैट यू कैन मिसअंडरस्टैंड और कोई प्रश्न है किसी का बताओ हां हां गौरंग बापू ने ऐलान कर दिया नित्यानंदो अगर जबनी मैंने मुस्लिम लेडी को ग्रहण करे फिर भी वो ब्रह्मा शंकर से पूजा करे कहने का मतलब है ही कैन नेवर बी कंटेमिनेटेड कहने का मतलब है नित्यानंद कभी भी कंटेमिनेट हो सकता महाप्रभु जी ने इसका व्याख्या की किसी ने शिकायत किया महाप्रभु के ये ऑर्नामेंट लगाता है महाप्रभु जी ने बोला दैट इज नॉट ऑर्नामेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंट नवविदा भक्ति नोविदा भक्ति गोइंग टू डेकोरेट द होल टनल बॉडी ऑफ नित्यानंद इन द फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंट फॉलो वाडी से ये ऑर्नामेंट नहीं है ये ऑर्नामेंट के रूप से नवविदा भक्ति माप जी ने बताया तो ये इसका गलत कभी अगर चर्चा हो अगले साल तो नया नया चर्चा होगा अगर हम जीवित रहे तो ये जो हम चर्चा किया हमको याद रहेगा हम नया चर्चा करेंगे फ्रॉम डिफरेंट एंगल हाँ ठीक है इजाजत दो अभी कुछ प्रश्न है निमास और नौरत्तम ठाकुर नहापभू का संन्यास लिया और नौतम ठाकुर दोनों का बारे में चर्चा होने का अरे ऐ तो मैं आसान मानता हूँ मैं क्या कहूँ ये तो सेवा है आपने दे दिया मैं जैसा नालायक इनको आपने सेवा दे दिया मैं खुश हूँ और कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए